हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाए हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, आपकी फेस की तरह आपकी बॉडी का भी गोरा दिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि हमारी बॉडी का कलर हमारे फेस से बहुत ज़्यादा काला होता है या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे नेक एरिया, अंडर आर्म्स, नकल्स, एल्बो आदि का रंग बहुत काला होता है तो ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं, जिसका हमारी पर्सनैलिटी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, आज इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और आपकी बॉडी को इक्वली गोरा बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेमेडी जो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आप हमारे न्यू वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हम इस नुस्खे के बारे में जो हमारी बॉडी के किसी भी डार्क पार्ट को लाइट कलर में चेंज कर देगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट। नंबर 1 टीस्पून टूथपेस्ट। आपको टूथपेस्ट वाइट लेना है, किसी भी तरह का जेल टूथपेस्ट यूज़ ना करें। टूथपेस्ट हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को गोरा बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये पिंपल्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 2 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर हमारी स्किन को निखारने और गोरा बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये हमारी हेल्थ और ब्यूटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 1 टीस्पून चंदन पाउडर। चंदन हमारी स्किन से कील मुहासे को हटाता है और हमारी त्वचा को बेदाग और निखरी हुई बनाने में मदद करता है। नंबर 4 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी के सौंदर्य लाभ तो आप खुद भी जानते होंगे कि हमारी स्किन के लिए कितनी बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन को गोरा बनाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। नंबर 5 दही। दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें विटामिन सी, जिंक एंड कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल इंग्रेडिएंट मानी गई है। ये भी हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। अब जाते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधि। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप एक बाउल लें। अब इसमें टूथपेस्ट डाल दें और फिर इसमें मुलेठी पाउडर, चंदन पाउडर और मुल्तानी मिट्टी पाउडर डालें। अब इसको मिक्स करने के लिए इसमें इतनी दही डालें कि इसका एक पेस्ट बन जाए और ये आपकी बॉडी के काले पार्ट पर आसानी से लग जाए। इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी लें और इसमें एक कॉटन का कपड़ा भिगा लें। अब इस भीगे हुए कपड़े से अपनी बॉडी के काले पार्ट को क्लीन करें और फिर इस रेमेडी को उस पार्ट पर अप्लाई करें। इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आफ्टर 30 मिनट्स आप इसको वॉश कर लें। दोस्तों, आपको इस रेमेडी को अपने फेस पर नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ इसको अपनी बॉडी पर ही यूज़ करना है। और सबसे पहले आप इस रेमेडी को सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगाकर देखें। इसको एकदम से 30 मिनट के लिए ना छोड़ें। यदि आपको लगता है कि ये रेमेडी आपको सूट कर रही है और इस रेमेडी से आपकी बॉडी पर कोई रेडनेस नहीं आ रही है तो आप इसको यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसमें मुलेठी पाउडर का यूज़ किया गया है और मुलेठी पाउडर हर किसी को सूट नहीं करती है। इसलिए जिन लोगों को मुलेठी पाउडर सूट कर जाता है वो इसको ज़रूर यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बताई गई रेमेडी। यदि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत काला है तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।